हाय, इट्स मी दीपा। आज बताने वाली हूँ मैं माइक्रो आर्टिस्टिक टूल्स के बारे में। माय टूल बॉक्स। ये है मेरा रेड टूल बॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे प्लेट्स और एक नाइफ भी है, जिसको मैंने अमेजोन से खरीदा। तो चलो इसे खोलते हैं। तो सबसे पहला टूल है हमारा पेंसिल नाइफ। इस नाइफ के इस्तेमाल से ही आप पेंसिल कार्विंग जैसी चीज़ें कर सकते हो। और इसमें जो होल्डर है, मैं इसे धीरे धीरे खोल रही हूँ। ये थोड़ा टाइट है बट खुल जाएगा। खुल जा, खुल जा, खुल जा। सो ये खुल चुका है। और इसमें है आगे हमारा बिल्कुल कील जैसा, बट ये है एक नाइफ होल्डर। और अब देखते हैं ये कैसे हम इसे लगाएंगे। तो मेरे पास है एक्स्ट्रा ब्लेड्स। ये ब्लेड्स मैं अक्सर इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे पेंसिल को शार्प करना होता है। हालांकि इसकी जगह पे हम कटर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसे काम चला सकती हूँ। तो हम अब लगाने वाले हैं होल्डर पे ये ब्लेड, और ये लग चुकी है। इसके बाद उसका सेकेंड होल्डर, और उसके बाद हमारी ये स्टिक, और ये फाइनली तैयार है कुछ भी काटने के लिए। अब मैं बताऊंगी आपको इन ब्लेड्स के बारे में। तो पहला तो सबसे पहले मैं ब्लेड निकाल के दिखा देती हूँ एक। तो ये मेरा ब्लेड एक निकल चुका है, जिसमें है 10 नंबर। ये 10 नंबर की ब्लेड है और आप देख सकते हो इतनी सारी हैं इसमें। सो पहला, उसके बाद आएगा तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, उसके बाद 10वां, फिर उसके बाद 11वां, और अब 12वां। तो इस बॉक्स के अंदर मुझे मिला था एक ट्विज़र, जो कि मेरे काम में बहुत काम आता है। इसके बाद आता है मेरा एक छोटा सा प्यारा सा स्टोन, जिस स्टोन को मैं अक्सर ब्लेड को शार्प करने के लिए यूज़ करती हूँ। सो मेरे पास है ये क्राफ्ट कटिंग मैट, जिसका इस्तेमाल मैं हमेशा माइक्रो आर्ट करते वक्त यूज़ करती हूँ, ताकि नीचे कटे ना। बात अगर माइक्रो आर्ट करने की आए और उसमें पेंसिल का इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरे पास है कारपेंटर पेंसिल, जिसकी लेड बहुत मोटी होती है और पेंसिल कार्विंग करने के बाद बहुत ही प्यारे स्कल्पचर बनाती है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डस्टलेस चॉक। इसका इस्तेमाल आप अगर बिगनर हो तो बहुत सही ऑप्शन है, क्योंकि इससे स्कल्पचर जो भी बनेगा वो बहुत ही आसानी से बनेगा और आप एज अ बिगनर सीख सकते हो, फिर आप पेंसिल कार्विंग करना भी सीख जाओगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। तो नेक्स्ट है हमारा लीफ। लीफ कार्विंग करने के लिए ही आपको लीफ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो आगे आप देख सकते हो कि ये हमारा रेजिन। रेजिन के अंदर मैंने अभी नेम कार्विंग की थी, और ये हमारा प्यारा सा पेंटिंग है, जिसे मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था। और अब आप देख सकते हो ये मेरा पूरा काम है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।